और जैसा कि हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि 18,400 पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, वैसा ही हम लोग को देखने को मिला है आज। और लगभग 58 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आया है, 0.32% का करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है, उसमें प्रमुख है टाटा मोटर्स, टाटा पावर, IRCTC और पॉलीकैब। हम लोग चारों को चार्ट पे समझेंगे कि कैसे हम लोग को इसमें अपना आगे की रणनीति अपनानी है, कैसे हम लोग को बाई करना है और कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है, सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो बहुत ही फायदा होने वाला है। और हम लोग आ चुके हैं अपने जीरोधा के चैटिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग पहले निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी 50 का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुल रन में था और हम लोग को प्राइस में एक बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। तो हम लोग चार्ट रीडिंग करते हैं, बेसिकली हम लोग तीन इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उसको पिवट लाइंस बोलते हैं। पिवट लाइन बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है पिवट लाइंस के द्वारा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है, तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों हर वीडियोज़ में बात करते हैं एक थंब रूल का, कि जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या करीब में चले तो हम लोग बाई अगर करते हैं वैसे सिचुएशन में, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपमूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मान लीजिए नीचे नहीं आता है, चाहे उसके बगल में भी नहीं आता है, लेकिन करीब आके करेक्शन करके फिर से ऊपर जाता है, तो बहुत ही बड़ा बुल रन हम लोग कैप्चर कर सकते थे। तो यही हुआ अभी निफ्टी 50 में भी। हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ है, 20 का लाइन यहाँ है और प्राइस यहाँ चल रहा है, तीनों के बीच में डिस्टेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ही फार प्राइस चला जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा था, लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि नए रिटेलर्स बहुत ही ज़्यादा मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिटेलर्स का पिछले एक सालों में मार्केट में आगमन हुआ है, इस कारण से अंधाधुंध बाइंग चल रहा था बगैर प्राइस देखे हुए ही। तो इसीलिए मार्केट के एक्सपर्ट भी चिंतित थे कि आगे मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल कर सकता है, तो इसलिए अभी हम लोग को कॉशन बरतना है, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा 200 और 20 के मूविंग एवरेज से भी ज़्यादा दूर चल रहा है, और 18,400 पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस कारण से अभी निफ्टी 50 में ज़्यादा हम लोग, जैसे निफ्टी 20 हम लोग का ETF होता है या इंडेक्स फंड हम लोग बाई करते हैं, तो उसमें अभी हम लोग को ज़्यादा खरीदारी करने का अभी आवश्यकता नहीं है। हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट थोड़ा करेक्शन हम लोग करने देंगे, और जैसे ही 20 के लाइन पे कुछ आता है और हम लोग को थोड़ा मार्केट कंडीशन सही होता है तो हम लोग और भी बाई इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल निफ्टी 50 में अभी कोई एंट्री बनाने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और हम लोग को एक कैंडल भी दिखा है दोस्तों, एक पहले तो छोटा कैंडल हम लोग को एक दिखा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक डोजी टाइप का कैंडल है। डोजी बोलते हैं मतलब उसका बॉडी बराबर होता है और विक्स भी छोटा होता है, बॉडी एकदम छोटा होना चाहिए, और ये वाला कैंडल जो बगल वाला है इनगल्फिंग बोलते हैं। इसके बाद से अंदेशा है मार्केट एक दो कैंडल और फॉलो अप कर सकता है। तो निफ्टी 50 फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका है, इसलिए अभी हम लोग को इसमें सावधानी बरतना है। अब हम लोग चलते हैं और भी अदर स्टॉक्स का चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को स्ट्रेटजी उसमें बनाना है। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को आज भारी गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, वो है टाटा पावर। लगभग 10% का फॉल हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे प्राइस बहुत ही ज़्यादा दिन से बुल रन में था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। इस कारण से एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला है। तो प्राइस में अभी और भी करेक्शन आ सकता है, इसमें भी नेक्स्ट स्ट्रेटजी यही है कि अभी कोई बाइंग टाटा पावर में नहीं कीजिए। टाटा पावर भी शानदार कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो इसका चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर इस पे बनाने वाला है, तो हम लोग को टाटा पावर्स में तो बाद में एंट्री लेना है, लेकिन फिलहाल इसमें बच के चले, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज दोनों से बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका है। तो और एक और गलती हम बता रहे हैं कि अगर आज 10% मार्केट गिरा है टाटा पावर में,
तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे, क्योंकि उन लोग को सिखाया ही जाता है, चाहे वो जानते हैं बाई ऑन डिप्स, यही बात वो लोग जानते हैं कि हम लोग को जैसे ही मार्केट गिरे तुरंत से खरीद लेना है। वो बहुत ही बाई ऑन डिप्स बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है, हम लोग को बाई ऑन डिप्स कभी नहीं करना चाहिए। बाई ऑन डिप्स कब करना चाहिए वो भी बताएंगे, लेकिन ब्लंटली हम लोग को बाई ऑन डिप्स नहीं करना चाहिए कि एक दिन अगर मार्केट गिरता है तो तुरंत हम लोग बाई कर लेते हैं। जैसे आज बहुत सारे मित्र हमारे टाटा पावर बाई किए होंगे, लेकिन मान लीजिए प्राइस और भी 5% 10% नीचे गिरता है, कुछ और भी नीचे गिरता है, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे खरीदते रहेंगे और एवरेजिंग डाउन ट्रेंड में करते रहेंगे, तो आपका इस स्टॉक में -20% तक चला जाएगा। अगर पहले से आपने बाई किया है तो प्रॉफिट जो हुआ था वो भी इरोड हो जाएगा। तो हम लोग को ये स्ट्रेटजी कभी नहीं अपनाना है कि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना है। कभी भी हम लोग को एवरेजिंग करना है दोस्तों तो अप ट्रेंड में करना है, और नहीं तो हम लोग को वेट करना है, पहले 200 डेज के करीब आता है तो बाई करेंगे। बेस्ट होता है कि अगर 200 डेज के नीचे रहेगा तो, लेकिन अभी प्रचंड बुल रन चल रहा था बहुत सारे स्टॉक्स में, तो हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हम लोग को मिल नहीं रहा था, लेकिन करीब में जब भी हम लोग को मिलता है तो हम लोग बाई करते हैं। इसलिए कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है तो कुछ 30-40% तक जितना आपका स्टॉक का क्वांटिटी है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटीज आप प्रॉफिट बुक का सोचिए। इसको हम लोग एग्जिट करना नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको स्टेक कम करना बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि ऐसा मेथड करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी स्टेक कम करते हैं बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखेंगे, लेकिन रिटेल ट्रेडर बैठे रहते हैं और जब तक कि लॉस ना हो जाए, चाहे तो लंबा प्रॉफिट ना हो जाए, यही के लिए वो इंतज़ार में रहते हैं, तो इस कारण से उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है और हर प्राइस पे उनका बाई करने का टेंडेंसी होता है तो फंसते हैं। तो इसलिए टाटा पावर में हम लोग को अभी बाई इनिशिएट नहीं करना है, इसको भी वॉचलिस्ट में भी नहीं रखना है। वॉचलिस्ट में आप ऐसे रख सकते हैं लेकिन बाइंग वॉचलिस्ट में नहीं रखना है। अगला स्टॉक है दोस्तों जो कि आज हम लोग को फॉल करते दिखा, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी लगभग 5% के करीब या 4% के करीब हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, तो सेम वही रीजन है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर है, दोनों के बीच में बहुत ही डिस्टेंस है। और हम लोग जान रहे हैं कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला है और TPG ग्रुप जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस कारण से इसमें सेंटिमेंट बहुत ही हाई था, इस कारण से प्राइस बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अप जाते हुए दिखा। तो जिनके पास टाटा मोटर्स हैवी क्वांटिटी में है कुछ ऑफलोड कर सकते हैं, मतलब कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, टोटल एग्जिट नहीं करना है लेकिन हल्का इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और ये मेथड का देखिए कितना अच्छा सुंदर वैलिडेशन है दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के पास कितना बड़ा कंसोलिडेशन किया था, अगर कोई हमारे मित्र यहाँ पे खरीद लेते तो उनको कितना बड़ा मूव वो कैप्चर कर पाते। लेकिन जिनको पता नहीं होगा ये मेथड वो तो नहीं खरीदे होंगे, लेकिन जिनको पता होगा वो खरीदे होंगे। और 200 डेज के मूविंग एवरेज पे हैवी बाइंग आता है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इस कारण से प्राइस और हम लोग इसमें सेंटिमेंट बहुत ही हाई था। कंक्रीट तो ज़्यादा टाटा मोटर्स में कुछ है नहीं, अभी कंपनी लॉस में चल रही है, जब से लैंड रोवर का अधिग्रहण किया है तो उसके बाद से कंपनी 4-5 सालों से अभी निगेटिव में चल रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है। टाटा नेक्सोन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा नेक्सोन का ही पिछले साल बिका है इंडिया में, इस कारण से टाटा मोटर्स का तो भविष्य सुनहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टाटा मोटर्स में भी हम लोग को फिलहाल एंट्री नहीं करना है और उस स्ट्रेटजी को हम लोग को फॉलो नहीं करना है कि जैसे ही 5% 4% मार्केट गिरता है तुरंत खरीदने दौड़ जाते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, वो गलती कीजिएगा तो फंस जाइएगा। वेट कीजिए, कोई भी अगर मान लीजिए ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, प्राइस को पहले तो 20 के नज़दीक आने दीजिए, अगर मान लीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज पे नहीं आता है, 20 पे आके फिर से यहाँ से टर्न लेने की कोशिश करता है तो 20 पे पहला एंट्री कुछ आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल टाटा मोटर्स में हम लोग को बाइंग रेंज में नहीं है, तो हम लोग को अभी बाई इसमें इनिशिएट एकदम से नहीं करना है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो टाटा मोटर्स में कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर से नीचे आएगा तो खरीद लीजिएगा, यही स्ट्रेटजी आप लोग लगाइए दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। 200 डेज के नज़दीक खरीदिए और दूर में कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, और जैसे ही नज़दीक आता है तो आप लोग फिर से अपना एंट्री बढ़ाइए। ये मेथड कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे तो हमारा और भी वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है वो है पॉलीकैब वायर्स,
जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं, पॉलीकैब बनाता है, बहुत ही शानदार कंपनी है, ग्रोथ वाला कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न फिलहाल दिया है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा है और यहाँ पे इसको हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं डबल टॉप की तरह हम लोग को दिख रहा है, एम टाइप का आपको पैटर्न दिख रहा होगा और एम पैटर्न एक बहुत ही बियरिश पैटर्न होता है, प्राइस नीचे आने का सिग्नल देता है। तो पॉलीकैब इंडस्ट्रीज में हम लोग को कोई बाई अभी नहीं करना है, अगर जिन्हें के पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर कम क्वांटिटी में है तो बने रहें, कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है तो पॉलीकैब में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे आपको सोचना चाहिए था, चाहे तो अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही फार चला जाता है तो प्राइस करेक्शन करता है। लेकिन बुल रन हैवी था, बहुत ही ज़्यादा मतलब बाइंग आ रहा था, इस कारण से 200 डेज के मूविंग एवरेज पे नहीं आया प्राइस और फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड्स, हम लोग को जान लेना चाहिए कि अब बुल रन आ चुका है। 20 का लाइन आपको ही बताता है कि प्राइस अभी का डायरेक्शन क्या है। 20 का लाइन अपवर्ड इंक्लाइंड है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो प्राइस में अच्छा मोमेंटम है, दूर तक ऊपर जाएगा। तो यही मेथड आपको फॉलो करना है, प्राइस 200 डेज के करीब या नीचे में हम लोग को मिलता है तो बेस्ट होता है। लेकिन अभी पॉलीकैब में हम लोग को कोई एंट्री नहीं लेना है और कोई इसमें एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है। अभी फिलहाल में आपको पॉलीकैब में एवरेजिंग भी नहीं करना है, एवरेजिंग करने का भी समय नहीं है। हम लोग एवरेजिंग कब करते हैं दोस्तों, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब से उठता है और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना ले और हम लोग को इनगल्फिंग पैटर्न मिले। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल और एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, ये सब हम अपने हर वीडियोज में बताते हैं। तो छोटा वाला कैंडल को बड़ा वाला कैंडल निगल लेना चाहिए, मतलब इनगल्फ कर लेना चाहिए। छोटा वाला कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, जैसे देखिएगा 20 का लाइन इंक्लाइंड हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री को बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम लोग को यहाँ इनगल्फिंग दिखा, यहाँ इनगल्फिंग दिखा, 20 के मूविंग एवरेज के नज़दीक ही देखना है, दूर में नहीं देखना है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग और भी बाय इनिशिएट करेंगे। लेकिन बात याद रहे, 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाए तो करेक्शन का संभावना रहता है, प्राइस थोड़ा करेक्ट करता है, इसलिए कभी भी ये मेथड हम लोग को नहीं लगाना है और डाउन ट्रेंड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। अगला स्टॉक रिटेलर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट वो है IRCTC। IRCTC में कोई रीजन नहीं था, बेसिकली बात किया जाए तो क्यों इतना प्राइस बढ़ रहा था, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैरान थे क्यों इतना प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका यही रीजन आया था कि रिटेलर्स बहुत ही ज्यादा खरीदारी इसमें कर रहे थे बढ़ चढ़ के। मॉर्गन स्टैनली ने भी यही ऑब्जर्वेशन किया कि रिटेलर्स इसमें हैवी बाइंग कर रहे हैं, इस कारण से IRCTC का प्राइस बहुत ही ज्यादा अप जा रहा है। और वही जिसका डर था वही हुआ दोस्तों, 200 डेज के प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर चल रहा था और अंदेशा भी था कि प्राइस फॉल करेगा और वही होता है, और प्राइस ने लगभग 8% का फॉल बड़ा सा किया है IRCTC में। तो फिलहाल क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर तो आज खरीदे होंगे लेकिन वो मेथड बहुत ही फॉल्स मेथड है। अगर आप हर दिन मार्केट गिरेगा आप खरीदिएगा तो आपका उस स्टॉक में -20% तक चला जाएगा, क्योंकि आप लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कर बैठिएगा। तो इस कारण से प्राइस को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आने दीजिए, तब हम लोग बाय इनिशिएट करेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए दोस्तों 20 से 25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो आपके पास है, तो हर महीने 2 से 3 स्टॉक आपको ये बाइंग रेंज में मिलेंगे 200 डेज के प्राइस पे या उसके नीचे में। इसलिए हम लोग को ज्यादा उतावला नहीं होना है, जबरदस्ती का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब भी प्राइस 200 डेज के करीब आए तब हम लोग बाई करेंगे और बेस्ट होता है नीचे आ जाए तो बाई करेंगे, लेकिन जब भी मार्केट बुल रन में होता है तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के जनरली नीचे नहीं आता है। लेकिन प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज्यादा दूर चला जाए तो देखिए फॉल एक्सपेक्टेड होता है, और फॉल करके फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो यही IRCTC में हम लोग को देखने को मिला है। अब ऑपरेटर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, रिटेलर्स तो प्रॉफिट बुक करते नहीं है तो वो बैठे रहेंगे और अपना पूरा प्रॉफिट जब तक उनका कोलैप्स नहीं कर जाए तब तक वो रहेंगे। तो अगर बहुत ही लंबे समय के इन्वेस्टर है, अगर 20 साल, 25 साल, 10 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है तब आप प्रॉफिट बुक नहीं कीजिए। लेकिन अगर रिटर्न को इन्हांस करना चाहते हैं, जो नॉर्मल रिटर्न मिलता है उससे आप 10-15% ज़्यादा रिटर्न गेन करना चाहते हैं तो ये मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो IRCTC में अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है जब तक 200 डेज के मूविंग एवरेज पे प्राइस उसके नज़दीक में नहीं आता है, तो हम लोग IRCTC को भी अपने बाइंग रेंज में अभी नहीं रखेंगे।
लास्ट स्टॉक जो आज सबसे ज्यादा गिरा है वो है टाइटन। इसमें भी लगभग 4% के करीब का गिरावट हम लोग को दर्ज हुआ है, और वही सेम रीजन है, प्राइस 200 डेज और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर गया। और आप देख रहे होंगे पिवट लाइन, यहाँ पे पिवट लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब एक ऊपर से एक रिजेक्शन कैंडल ऐसा छोटा सा, और जिसका विक्स बड़ा था, ये वाला कैंडल आपको देखने को मिला होगा, इसको रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं या इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा एलिफेंट कैंडल, मतलब रेड कैंडल हम लोग को बड़ा सा दिखा है, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अब नीचे फॉल कर सकता है। इसीलिए टाइटन में भी कोई एंट्री नहीं है, कोई बाई ऑन डिप्स इसमें नहीं लगाना है। बाई ऑन डिप्स हमेशा अप ट्रेंड में होता है, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ इनगल्फिंग खोजते जाइए और बाई करते जाइए, लेकिन 200 डेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। तो यही टाइटन में भी स्ट्रेटजी मेरा है। टाइटन बहुत ही शानदार कंपनी है, ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तनिष्क का शोरूम इसी का होता है, ज्वेलरी और वॉचेस ये सब बनाने में लीडिंग कंपनी है। आरजे का भी इसमें स्टॉक है, राकेश झुनझुनवाला जी का, तो टाइटन हम लोग के वॉच लिस्ट में तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग को कोई बाई नहीं करना है। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है तो आप लोग बाई कीजिएगा, फिलहाल टाइटन में कोई एंट्री नहीं मिलेगा। तो हम लोग आज बात किए कि कैसे हम लोग को बाइंग स्ट्रेटजी आने वाले समय में रखना है दोस्तों, कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।